जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफबा के डिफेंस न्यूज कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 14th मई 2020 के डिफेंस न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है, इंडियन आर्मी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूर ऑफ ड्यूटी प्लान करने का सोच रही है। दूसरे वर्ड्स में इसे 3 ईयर्स शॉर्ट सर्विस कहा जा रहा है। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग यूथ्स ऑफिसर और अदर रैंक्स पर 3 इयर्स अपनी मदरलैंड को सर्व कर सकेंगे। ये प्रपोजल इनिशियली लिमिटेड सीट्स पर ट्रायल बेसिस पर इनिशिएट किया जा सकता है। ऐसा करने का मेन एम है इंडियन आर्मी का फाइनेंशियल बर्डन कम करना, जिससे फंड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में यूटिलाइज किया जा सके। शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी से। आर्मी सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब तक चला आ रहा है एसएसबी के लिए, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। किसी तरह की एंट्रेंस होगी या नहीं, इस बात पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। सिलेक्शन प्रोसेस भी सिमिलर रहेगी और डी नोवो सिलेक्शन सिस्टम आने से एसएसबी को ज्यादा कैंडिडेट्स टेस्ट करने मिलेंगे। टीओडी मींस टूर ऑफ ड्यूटी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें अट्रैक्टिव पैकेजेस, रीसेटलमेंट कोर्सेज, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लीव, एक्स सर्विसमैन स्टेटस, ईसीएचएस कार्ड जैसे सुविधाएं टीओडी मिलिट्री पर्सनल के लिए नहीं होंगी। चलिए स्कैन करते हैं टोटल कॉस्ट को और नजर डालते हैं टीओडी बाकी कमीशन से कैसे आर्मी को फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकता है। एक शॉर्ट कमीशन ऑफिसर की ट्रेनिंग, पे, पैकेजेस, अलाउंसेस एटसेट्रा पर टोटल 5.12 करोड़ से 6.83 करोड़ रुपीज का खर्चा आता है। ये ओवरऑल खर्च 50-60% तक बढ़ जाता है जब ऑफिसर परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट करता है और पेंशन लेता है, और इन केस ऑफ टीओडी ये खर्च सिर्फ 80-85 लाख रुपीस तक रहेगा। एडवांटेज की बात करें, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ये स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो फुल फ्लेज्ड आर्मी करियर नहीं चाहते बट यूनिफॉर्म पहनकर देश को सर्व करना चाहते हैं। टीओडी एंड होने के बाद इंडिविजुअल्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले प्रेफरेंस मिल सकता है, क्योंकि इनिशियल सर्वेस बताते हैं 26-27 ईयर ओल्ड मिलिट्री ट्रेन पर्सन का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी मांग हो सकती है। और आर्मी होप कर रही है कि इस तरह के टूर्स आईआईटीज ग्रेजुएट्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा मिलिट्री ट्रेन यंग पर्सन से नेशन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी एडवांटेज मिल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। हमने पिछले बहुत से डिफेंस न्यूज कैन एडिशन में एचएएल में स्पेयर पार्ट्स की कमी के बारे में डिस्कस किया है। ये कमियां लॉकडाउन के वजह से आ रही है। एचएएल को सप्लाईज इंश्योर करने प्रोएक्टिव मेजर्स इंश्योर करने होंगे। फिलहाल एचएएल इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑल दी नेसेसरी स्पेयर्स प्रोड्यूस कर रही है जो वो प्रोड्यूस कर सकती है। बहुत सारे पार्ट्स स्टॉक में अवेलेबल थे, उन्हें भी एज पर रिक्वायरमेंट डिलीवर किया गया है, लेकिन HAL टोटली इंडिजिनस स्पेयर पार्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। IAF के बहुत सारे एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट्स HAL इंपोर्ट करता है। रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस, USA, इंडिया की स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सभी कंट्रीज फिलहाल लॉकडाउन में हैं, जिसके वजह से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टोटली या पार्शियली स्टॉप्ड है। ऑल्दो ड्यू टू डिले इन स्पेयर पार्ट्स, IAF के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और कोविड ऑपरेशंस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि HAL ने लास्ट मंथ ही ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, ऐसा कहना है HAL सोर्सेज का। हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म होगा और इंडियन एयरफोर्स के स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट बाकी कंट्रीज से इम्पोर्ट करके पूरी की जा सकेंगी। नेक्स्ट न्यूज पर चलने से पहले मैं आपको आफबा टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूँ। ये एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक्स एसएसबी असेसर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको आफबा और क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास असेसर्स वीडियो के थ्रू देते हैं। इस चैनल का नाम है आफबा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास और इस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। पिछली न्यूज से एक बात आपके मन में जरूर आ रही होगी, अगर इंडिया सभी स्पेयर्स इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर पाता तो शायद इस तरह की डिपेंडेंसी इंडिया फेस नहीं कर रहा होता। बिल्कुल हमारी तरह डिफेंस मिनिस्ट्री का भी सोचना है, इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पुश करने स्टेप्स ले रही है।
एमओडी ऐसे डिफेंस सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने में लगी है जिसे प्राइवेट सेक्टर्स और एमएसएमईज को हैंडओवर किया जा सके। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के अकॉर्डिंग अंडर मेक इन इंडिया लोकल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने और उन्हें फास्ट ट्रैक करने में एमओडी अब ज्यादा एफर्ट्स ले रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इंडियन आर्मी की AK-203, इंडियन एयरफोर्स के 83 LCA तेजस, इंडियन नेवी की स्मॉल बोट्स इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही है। इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और DRDO फ्यूचर में प्राइवेट सेक्टर्स और MSME से शेयर कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर कोरोना जैसी कोई महामारी या फिर कोई और आफत आती भी है तो हमारे पास इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करने काफी सारे हैंड्स होंगे, और जिस तरह हम स्पेयर्स के लिए बाकी कंट्रीज पर डिपेंड है, इसके अगेंस्ट हम हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर इन स्पेयर को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए डिफेंस न्यूज के साथ नए डिफेंस न्यूज कैन एडिशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।